हेलो दोस्तों, आपका अपना यूट्यूब चैनल सक्सेस कॉम्पिटिटिव क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आज हम बताने वाले हैं कि वर्गमूल कैसे निकाला जाता है। बहुत आसान विधि है, 5 से 6 सेकंड में जो आप वर्गमूल निकाल दीजिएगा। तो आप बेसिक को बढ़िया से आप समझ लेते हैं ना, तो आप जो है वर्गमूल बढ़िया से निकाल दीजिएगा। सबसे पहले बेसिक समझिए, ठीक है। एक का स्क्वायर एक होता है, यानी एक का स्क्वायर करेंगे तो इकाई अंक कितना आएगा? एक। दो का स्क्वायर 4, दो का स्क्वायर करेंगे तो इकाई अंक कितना आएगा? 4। तीन का स्क्वायर 9, यानी तीन का वर्ग करेंगे तो इकाई अंक कितना आएगा? 9। 4 का स्क्वायर 16, यानी 4 का स्क्वायर करेंगे तो उसका इकाई अंक कितना आएगा? 6। 5 का स्क्वायर कितना होगा? 25, यानी 5 का स्क्वायर करेंगे तो इकाई अंक 5 आएगा। 6 का स्क्वायर करते हैं 36, तो इकाई अंक कितना? 6। 7 का स्क्वायर करते हैं कितना आएगा? 49, यानी 7 का स्क्वायर का इकाई अंक 9। 8 का स्क्वायर कर देते हैं 64, यानी इकाई अंक 4। 9 का स्क्वायर करते हैं 81, इकाई अंक 1। 10 का स्क्वायर करते हैं 100, यानी इकाई अंक 0। देखिए 1 4 9 6 5 6 9 4 1 0, कहीं भी 2 3 7 8 8 इकाई अंक में आया तो नहीं। अगर किसी संख्या का इकाई अंक 2 3 7 8 हो तो वह किसी संख्या का परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता है, है ना। अगर किसी संख्या के अंत में 2 3 7 8 अगर लगा रहे उसका इकाई अंक, तो किसी संख्या का वर्ग हो ही नहीं सकता है। क्योंकि देखिए ना, कभी इकाई अंक में आया है 2 3 7 8, नहीं आया तो वो किसी संख्या का पूर्ण रूप से वर्ग नहीं हो सकता है, ठीक है। जैसे हम वर्गमूल कैसे निकाला जाता है, ठीक है, पहचान लीजिएगा ना किसी का वर्ग है कि नहीं है। अगर किसी संख्या का 2 3 7 8 इकाई अंक रहे तो समझ आए कि किसी का वर्ग हो ही नहीं सकता है, ठीक है। पहचानने का ये नियम है। कैसे हम वर्गमूल निकालते हैं वो आपको हम बताते हैं, ठीक है। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, चलिए 1024 का वर्गमूल निकालते हैं। तो वर्गमूल निकालने के लिए सबसे पहले वर्गमूल निकाल रहे हैं, तो सबसे पहले वर्गमूल निकालने के लिए पीछे से 2 अंक में जुड़ा लगाया जाता है। केवल 2 अंक में ही जुड़ा लगाया जाता है, पहला स्टेप, केवल 2 अंक में ही जोड़ा लगाया जाता है। सेकंड स्टेप, फिर उसका इकाई अंक को देखते हैं। किसको देखते हैं? उसके इकाई अंक को देखते हैं, ठीक है। इकाई अंक कितना है? 4। तो कितना का वर्ग करेंगे तो इकाई अंक 4 आएगा। देखिए 2 का वर्ग करेंगे तो इकाई अंक 4 आएगा, या तो 8 का वर्ग करेंगे तो इकाई अंक 4 आएगा, ठीक है। 2 का वर्ग करेंगे तो इकाई अंक 4 आएगा, 8 का वर्ग करेंगे तो इकाई अंक 4 आएगा। इस सेकंड स्टेप हो गया। थर्ड स्टेप आपका है कि आगे वाले संख्या को देखते हैं। 2 संख्या भी हो सकता है, 3 को 4 को, जितना भी हो सबको एक ही बार ले लेंगे, ठीक है। 10 है, 10 को देखते हैं, है ना, कि कितना का हम वर्ग करेंगे तो 10 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। कितना संख्या का हम वर्ग करेंगे तो 10 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, यानी 3 का करेंगे तो 3 3 3 के स्क्वायर 9, 10 से कम है ना। लेकिन 4 करेंगे तो 4 चौका 16, हमको ज्यादा तो नहीं लेना है, यानी 10 से कम ही लेना है। तो लेंगे कितना? 3। फिर जितना लेते हैं ना उतना में एक जोड़ देते हैं, यानी कि 3 प्लस 1, मन से इतना का स्क्वायर हम लेते हैं उसमें मन से एक जोड़ देते हैं, 3 1 4। फिर 3 गुना 3 1 4, फिर इसे गुना कर देते हैं, 4 3 12 12 हो गया ना। फिर 3 जो है खिसका कर यहां भी आते हैं। अभी 12 से ये अधिक रहेगा तो बड़ा वाला लेंगे, अगर 12 से कम रहेगा तो छोटा वाला लेंगे, अगर 12 के अगर बराबर रहता तो बड़ा वाला लेते। फिर से एक बार, अगर ये 12 है यहां पर वाला संख्या से ये पूरा संख्या अगर कम रहता तो कम वाला लेते हैं, छोटा लेते। अगर इस संख्या से अगर अधिक यहां पर संख्या रहता तो बड़ा वाला लेते। अगर दोनों अगर बराबर रह जाता तो बड़ा वाला लेंगे।
ठीक है, तो कितना है, इससे कम है ना, तो कम बना लेंगे, यानी कि दो आपका यानी कि 32 आपका आंसर होगा, यानी 32 का स्क्वायर 1024 होता है। ठीक है, चलिए और बड़ा बड़ा डिजिट देते हैं। जैसे 98.01, पीछे से कितना अंक में जोड़ा लगाएंगे, दो अंक में जोड़ा लगाते हैं, फिर उसका इकाई अंक को देखते हैं कि इसका वर्ग करेंगे तो इकाई अंक एक आएगा, या तो एक का वर्ग करेंगे तो इकाई अंक एक आएगा, या तो नौ का वर्ग करेंगे तो इकाई अंक एक आएगा। ठीक है, और फिर आगे वाला को देखते हैं, ठीक है, कितना का वर्ग करेंगे, 98 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, यानी 9 का 81, 10 का करेंगे 100 ज्यादा हो जाएगा ना, यानी 9 का 81, यानी कि 9 लेंगे, अब मान से 9 में एक जोड़ देंगे, 9 प्लस 1, तो 9 गुना 9 एक 10, धनमय 90, 9 खिसका करके यहां लाएंगे, अगर 90 से अधिक है तो अधिक वाला लेंगे, अगर 90 से कम रहता तो कम वाला लेंगे, और 90 के अगर बराबर रहता तो बड़ा वाला लेते, तो यहां पर क्या है, 90 से अधिक है तो अधिक वाला लेंगे, यानी 99 का वर्ग है, 98.01, 98.01 का वर्गमूल कितना होगा, 99 होगा, कोई दिक्कत, कोई भी समस्या नहीं। चलिए और बड़ा बड़ा हम डिजिट लेते हैं, चलिए कितना अंक से जोड़ा लगाएंगे, दो अंक का जोड़ लगाएंगे, अब इसका इकाई अंक को देखते हैं, किसका हम वर्ग करेंगे तो इकाई अंक 4 आएगा, देखिए 2 का स्क्वायर करते हैं इकाई अंक 4 आता है, या 8 का वर्ग करते हैं इकाई अंक 4 आता है। ठीक है, यहां पर देखिए दो डिजिट ना है, 3 डिजिट भी हो सकता है, 4 डिजिट भी हो सकता है, हम सबको एक ही बार ले लेंगे, फिर ये देखेंगे कि कितना का वर्ग करेंगे तो 46 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, कितना का वर्ग करेंगे तो, यानी 6 का वर्ग करेंगे 36, 7 का स्क्वायर ज्यादा हो जाएगा ना, यानी 6 का करेंगे तो 6 गुना 6 में एक मान से जोड़ देना, 6 एक 7, 7 6 का 42, चलिए थोड़ा सा स्पीड में करते हैं, तो 6 42 से ज्यादा है तो ज्यादा वाला लेंगे, और सर आपका आंसर कोई दिक्कत नहीं है। चलिए और बड़ा बड़ा डिजिट लेते हैं, पीछे से कितना का जोड़ा लगाएंगे, दो अंक का जोड़ा लगाएं, फिर इसके इकाई अंक को देखें किसका वर्ग करेंगे तो 9 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, सॉरी इकाई अंक किसका वर्ग करेंगे, इकाई अंक 9 आना चाहिए, 3 का वर्ग करेंगे इकाई अंक 9 आएगा, या 7 का वर्ग करेंगे तो इकाई अंक 9 आएगा। ठीक है, फिर देखिए अभी 3 डिजिट आ गया ना, सबको एक ही बार ले लेंगे, अब ये देखें किसका हम वर्ग करेंगे, 106 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, बोलिए 11 का वर्ग करेंगे कितना आएगा, 121, ज्यादा हो जाता है ना, यानी कितना लेंगे, 10, 10 का 100 आता है, इससे कम है ना, हाँ तो 10, 10 में एक मान से जोड़ते हैं तो कितना आएगा, 11 गुना 10 कर दिए 110, 10 खिसका कर यहां लाइए, 110 से कम है तो कम बना लेंगे, अगर 110 से अधिक रहता तो अधिक वाला लेते, अगर 110 के बराबर रहता तो बड़ा वाला लेते, यहाँ 110 से कम है तो कम वाला लेंगे, यानी कि 103 आपका आंसर, कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी समस्या नहीं है, नहीं ना। चलिए अगर वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और नीचे जो है बेल आइकन दबा दीजिए और कॉमेंट कीजिए, और दोस्तों के बीच जो है शेयर कर दीजिए। ठीक है, धन्यवाद।